हमारे कबूतर का अटैक नहीं करेगा? नहीं, अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो स्टैमिना वो स्ट्रोंग होगा। कोई भी बीमारी, एक तो बीमारी से क्योर करेगा, एक उसका लीवर ठीक रखेगा, और ये उसको उड़ने में ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, दूसरी बात, जो हमारा जो फ्रेश न्यू पीजी है, तो ये एग्स में कितना मदद करेगा जनाब? एग्स में भी ये फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन है ना। जी सर, मिनरल और विटामिन है, तो ये एग को एक्टिवेट होने में, एग को डेवलप करने के लिए, जल्दी डेवलप करने के लिए और उसमें अच्छा बच्चा होने के लिए उसमें हेल्प करेगा ये। अच्छा, ये हमारा जो फ्रेश न्यू पीजी है, तो इसका डोजेज क्या है फ्रेश न्यू पीजी का जनाब? सर, इसका डोजेज वही है, इसका 5 से 10 ml, 5 से 10 ml, 10 से 15 ml, जितनी बार के कबूतर पानी पिए उसमें डाल के ही देना हो। अच्छा, ये हम कंटिन्यू भी रख सकते हैं फ्रेश न्यू पीजी? हाँ, ये कंटिन्यू ही रखने में फायदा है, क्योंकि इसके अंदर लीवर के लिए भी ताकत है और मिनरल्स है, विटामिन है, तो ये कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा हमको, जो भी कबूतर पानी पिए। अगर कबूतर का लीवर अच्छा रहेगा, तो हमारा कबूतर अच्छी तरीके से खाना भी खाएगा, तो इसका ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी बढ़ जाएगा कबूतर का। जी बिल्कुल, ग्रोथ भी बढ़ेगा और सबसे बढ़िया उसकी पावर बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ी रहेगी, वो ज्यादा देर तक हवा में उड़ता रहेगा। चलो, थैंक यू मिस्टर सुंदर जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।